This class. So trigonometric function. So it's just introduction only today. Last year also you have studied. So introduction, just an introduction for today's class. Trigonometry. So ye to exam mein to nahi aayega isse trigonometry kya hai karke. Trigonometry is derived from the words trigon and metron. It means measuring the sides of a triangle, measuring the sides of a triangle. Okay, so mainly the subject was developed to solve geometrical problems involve triangles. जो triangles जो involve होते हैं उसी type का problem solve करने के लिए जो ऐसे develop हो गया है subject trigonometry. Earlier in the बहुत साल पहले it was studied by captains, sea captains for navigation. जो जब sea में जाते हैं navigation purpose के लिए trigonometry use किया था. Surveyors to map out new land. जब हमारा land का जो survey करते हैं, जैसे जो survey करके partition करते हैं, उसके लिए use किया था. That engineers वगैरह use कर रहे था. आजकल दुनिया में ये यूज कर रहे हैं बहुत सारा चीज में इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज है. सच एज सीस्मोलॉजी, डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्क्यूट, डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम, प्रेडिक्टिंग द हाइट ऑफ टाइड्स इन द ओशियन, एनालाइजिंग ए म्यूजिकल टोन एंड इन मेनी अदर एरियाज. हम तो अभी तो थियोरी जैसे कुछ पढ़ाई करेंगे बट आप सोचेंगे इसका एप्लीकेशन किधर है. सो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है. जब हम एक फील्ड में जाएंगे, जब इंजीनियरिंग फील्ड में जाएगा, नहीं तो नेविगेशन का फील्ड में जाएगा, नहीं तो सीस्मोलॉजी का फील्ड में जाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पढ़ाई करेगा, तब ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज उधर आ जाते. हम अभी 11वीं में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाई किया, सीधा जाके अप्लाई करने के लिए नहीं जा रहे. अंडरस्टूड? बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस math, like it is like math and physics is like, physics is the flesh of our body and math is the bone of our body. Like without flesh, bones will not be there, without bones flesh will not be there. It is related like that, physics and math. Okay, so in many applications, said electric side, when you went to engineering, IIT, all those things, if you are doing इलेक्ट्रिक सर्क्यूट इन इलेक्ट्रिक लैंड, टेलीकम्युनिकेशन में आप IIT में डिग्री कर रहे, MTech कर रहे, सो नहीं है तो आप केमिस्ट्री में भी जाओ. लाइक इन मेनी फील्ड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर हैविंग एप्लीकेशंस. बट ऐसे नहीं हम अभी पढ़ाई किया कल इसका सीधा डायरेक्ट कुछ एप्लीकेशन कर रहे करके नहीं, बट इन फ्यूचर. सो दिस इज अ बेस फॉर दैट. वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज दिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन and all those things. Clear? So basically ये भी आपको पता है angles. Angles के बारे में आपने सुना है ना, right? Angle is a measure of rotation. Angle मतलब it is measure of rotation. कितना rotate किया उसका measure है. हमें पता है एंगल ड्रॉ करते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री, हमें पता है, बट एंगल मतलब इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशन. कितना रोटेट किया, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इनिशियल पॉइंट. सो इधर देखो एक रे, इनिशियल पॉइंट हियर, ओ रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो दो प्रकार रोटेट कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं. एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक चल रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक चल रहा है उसी डायरेक्शन. सो जो फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, दैट फिक्स्ड लाइन, दैट फर्स्ट लाइन, द इनिशियल, दैट इज नोन एज इनिशियल साइड. देन वी विल रोटेट द इनिशियल साइड विथ रिस्पेक्ट टू दैट वर्टेक्स. सो इधर कितना हो गया, कितना रोटेट हो गया, इसका मेजर इधर जो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक आ गया, सो रुक गया उधर.
कितना रोटेट किया, दैट मेजर ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट किया करके मेजर करना है, उसको बोलते हैं एंगल बोलते हैं। एंगल दो प्रकार का है, पॉजिटिव एंगल भी है नेगेटिव एंगल भी है। जब हम आपने अभी तक पॉजिटिव एंगल के बारे में डिस्कस किया ना, लास्ट 30 डिग्री 60 डिग्री, बस इतना ही है कि कंसेप्ट इज सेम। इफ यू आर मेजरिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज नोन एज पॉजिटिव एंगल, इफ यू आर मेजरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक देन दैट इज नेगेटिव एंगल। ठीक है, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। सो इट इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, ओनली थिंग इज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन इन विच यू आर मेजरिंग इट। इफ यू आर मेजरिंग इट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज पॉजिटिव एंगल, इफ यू आर मेजरिंग इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज नेगेटिव एंगल। मेन पॉइंट दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स, OA इज नोन एज द इनिशियल साइड, द लास्ट वन दैट इज OB इज नोन एज द टर्मिनल साइड। सो द मेजर ऑफ एन एंगल, सो मेजर ऑफ एन एंगल मतलब द मेजर ऑफ एन एंगल कैसे मेजर करेंगे हम पढ़ाई करेंगे। द मेजर ऑफ एन एंगल इज अ रोटेशन परफॉर्म टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड, दैट मीन्स इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक आने के लिए कितना रोटेट किया, उस रोटेशन का अमाउंट वो मेजर करना है, दैट इज नोन एज द एंगल। तो वो कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए अलग अलग मेजर, ऑलरेडी एक तो आपको पता है दैट इज एंगल डिग्री मेजर, राइट। देर आर सेवरल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल, एक यूनिट है रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन। एक बार किया तो हम क्या बोलते हैं, जैसे इनिशियल साइड से शुरू किया ऐसे वापस इनिशियल साइड तक आ गया, तो उसको हम बोलते हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, उसको बोलते हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। इनिशियल साइड से शुरू किया वापस इनिशियल साइड में ही आ गया, दैट मीन्स इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड आर सेम, सो दैट इज नोन एज वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। बट ये तो हम बहुत बड़ा एंगल्स के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे तो दिस विल बी कन्वीनियंट फॉर लार्ज एंगल्स ओनली, लाइक ए स्पिनिंग व्हील, व्हील स्पिन कर रहे, नहीं ये तो देखो ए कार मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो हम इधर से स्कूल का फ्रंट गेट से कस्तूरबा गांधी स्कूल तक गया, तो उतना जाने के टाइम तक उस कार का व्हील हम एंगल में बोल सकते हैं क्या, हम बोलते हो कार का व्हील 10 रोटेशन बना रहा था फुल, है ना, नहीं तो 100 रोटेशन बनाया था करके, अंडरस्टूड, डिड यू अंडरस्टैंड, यस सर, या वो, बट जैसे 30 डिग्री आपने लास्ट ईयर पढ़ाई किया, 30 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री, उधर तो रेवोल्यूशन का सवाल ही नहीं आ रहे। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब तो इनिशियल साइड से शुरू किया, एक बार रोटेट करके वापस इनिशियल साइड तक आ गए, उसको बोलते हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। बट वो मेजर चाहिए, हमें चाहिए कि जो बड़ा मेजर के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल में बोले तो हमारा स्कूल का गेट से कस्तूरबा गांधी को स्कूल तक एक कार चलाया, मान लीजिए 100 मीटर, सो उसका कार का व्हील तो रोटेट करेगा, है ना, सो कितना डिग्री रोटेट करेगा, मतलब हम डिग्री में बोलना बहुत मुश्किल होगा, है ना, क्योंकि एक बार पूरा रोटेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। सो हम डिग्री में बोलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि टायर का है तो कम से कम 100 मीटर जाएंगे तो कम से कम 200 बार रोटेट हो जाते हैं ना, करेक्ट। एक yes, टायर, आप सोचो एक छोटा टायर 2 बार रोटेट करेंगे तो हो सकता है 1 मीटर कवर करेगा, तो 100 मीटर कवर करने के लिए, 100 मीटर कवर करने के लिए वो टायर 200 टाइम्स रोटेट किया होगा, सो 200 रेवोल्यूशन। सो उधर हम डिग्री में नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे रेवोल्यूशन बोलेंगे,
इतना रेवोल्यूशन किया था, टायर ने 15 कंप्लीट रेवोल्यूशन, नहीं तो टायर ने 100 रेवोल्यूशन बनाया था ऐसे. सो रेवोल्यूशन इट इज वन मेजर ऑफ, रेवोल्यूशन इज वन मेजर ऑफ मेजरिंग एंगल. अदर मेजर्स आर देयर, उसमें से एक तो आपको ऑलरेडी पहचान है आप, डिग्री मेजर, एंड अनदर वन इज रेडियन मेजर. इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे. ओके, डिग्री मेजर तो आपको पता है ना, अपने लास्ट ईयर प्रोट्रैक्टर यूज करके डिग्री वाला मेजर करते था, इजंट इट, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, राइट. सो वैसे डिफरेंट मेजर्स है, एंगल मेजर करने के लिए अलग अलग टेक्निक है. रेवोल्यूशन इज वन टेक्निक, बट दैट इज ओनली यूजफुल फॉर वेरी बिग एंगल्स. सो बेसिकली टू कॉमन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मेजर्स आर देयर, विच आर डिग्री मेजर एंड रेडियन. ठीक है, वेलकम टू दैट. देखो डिग्री मेजर तो आपको ऑलरेडी आप फेमिलियर है. सो डिग्री मेजर का डेफिनेशन देखो, तो इधर मैंने एक सेकंड है, इधर देखो दिख रहा है ना, ये वन कंप्लीट रोटेशन कितना है, वन कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री. सो वन कंप्लीट रोटेशन आपको पता है 360 डिग्री है. सो डिग्री मेजर मतलब वन डिग्री. डिग्री को हम सिंपल ये यूज करते हैं, वन डिग्री मतलब 1 by 360 of one rotation, complete rotation, one complete revolution. Revolution नहीं तो rotation सब same meaning है. Revolution. So that is the definition of degree. 1 degree आपने मेजर करते हैं, डिग्री 30 degree, 45 degree सब मेजर करना आपको आता है, बट उसका डेफिनेशन है कि 1 degree मतलब 1 by 360 पार्ट ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. ओके, एंड अभी हम और थोड़ा और आगे जा रहे हैं. 1 degree इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट, जैसे 1 minute, 1 hour, 1 hour. देखो ये तो अलग है, बट आपको कोई संबंध नहीं, फिर भी 1 hour is divided into 60 minute. 1 hour is divided into 60 minute. उस मिनट को फिर भी 60 मिनट इज डिवाइडेड इनटू, उसमें से 1 minute इज 60 seconds. ऐसे डिवाइड करते हैं ना, 1 minute इज डिवाइडेड इनटू 60 seconds. Similarly, 1 meter हम बोलते, 1 meter is divided into, it is 100 centimeter. Then again 1 centimeter is divided into 10 millimeter. ऐसे वैसे इधर एक बार तो एंगल तो आ गया 1 degree. 1 degree is 60 minutes. It is not the hour minute, it is not the time. 1 degree is degree. हाँ, it is degree का एक 1 degree को 60 part कर सकते हैं. 1 degree को 60 part करते हैं, उसको बोलते हैं, हर part को बोलते हैं minutes बोलते हैं, 60 minutes. इसको denote करते हैं 60, उसके ऊपर एक dash. Read as 60
मिनट, इधर आप देख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. इट इज नॉट द मिनट ऑफ आवर टाइम, टाइम का नहीं. 1 डिग्री को 1 डिग्री इधर लिखा है कि ए डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स एंड ए मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड. दैट मींस एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं मिनट्स बोलते हैं. देन 1 मिनट इसको अगेन हम करते हैं उसको सेकंड, 60 इक्वल पार्ट करते हैं उसको बोलते हैं 60 सेकंड्स बोलते हैं. दैट इज डिनोटेड एज 60 उसके ऊपर दो लाइन 60, इट इज रीड एज 60 सेकंड. ठीक है. सो 1 डिग्री इज, हमें पता है कि 1 डिग्री मतलब 1/360 ऑफ ए कंप्लीट रेवोल्यूशन. देन 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, इट इज नोन एज मिनट्स. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. इट इज रिटन एज 60 टू द पावर 60 के ऊपर में डैश लिखा है, एक डैश. देन 1 मिनट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स एंड दैट इज नोन एज 60 सेकंड्स एंड इट इज रिटन लाइक दिस, 60 के ऊपर दो डैश 60 सेकंड्स. सो ये आपने आपके लिए नया है. 1 degree is further divided into 60 parts, that is known as 60 minutes, and that 1 minute is again divided into 60 parts, equal parts, it is known as 60 seconds. Understood? Abhi dekho some general angles. 1 complete rotation 360 degree positive way, because humne measure ke arrow dekho clockwise anti clockwise direction mein tha. Ye angle dekho, this is straight angle, straight angle is 180 degree. ये हमें पता है कि 90, 180, 270, right? Isn't it? And here, देखो ये complete rotation हो गया, उसके बाद और 60 degree गया, ये complete rotation हो गया. हमने अभी तक 360 degree तक, 90 degree तक आपने पढ़ाई किया था ना, right triangle, only right triangle में. अब इधर देखो ये complete rotation हो गया, सुन रहे ना? Hello? Yes sir. Yes sir. एक complete rotation हो गया, उसके बाद और 60 degree गया, so 360 plus 60 और 420 degree. 420. इधर देखो 30 degree clockwise direction, इसलिए वो negative symbol दे दिया, negative angle 30 degree. इधर देखो clockwise direction में एक complete rotation हो गया और 60 degree आगे आ गया, so complete rotation हो गया 60 degree, so 420 degree, but negative इसलिए दिया है कि उसका direction हमने दिया था clockwise direction, that is why minus. so clockwise direction में measure करेंगे तो negative angle, anti clockwise direction में measure करेंगे तो positive angle. ठीक है. so this is one measure, degree measure. okay, degree measure. Is it clear? Yes, sir. Yeah. Now, before going to the next measure, I want to show you some other things. देखो, there is another form like decimal degree. जैसे decimal degree मतलब ऐसे, for example 43.25 degree. देखो 43.25 डिग्री डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया ना. एंड दूसरे एक फॉर्म है, इसको बोलते हैं डी एम एस फॉर्म बोलते. दैट मींस इसका मतलब है, ये आपके लिए नया कंसेप्ट होगा, डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड. So,
इसको हम डिग्री डेसिमल डिग्री को हम डिग्री मिनट सेकेंड फॉर्म में लिख सकते हैं, डिग्री मिनट सेकेंड को हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख रहे हैं देखो, तो ये वाला 43.25 डिग्री, तो ये ऐसे है कि 43 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री, करेक्ट। बट हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो दिस इज 43 डिग्री प्लस 1 डिग्री इज 60 मिनट, सो 0.25 डिग्री इज 0.25 × 60, that means minute. So 43 degree plus 15 minute. 15, okay. 0.25 × 60. It is 15. 15 minute. So इसको आप लिख सकते हैं 43 degree 15 minute. इधर कोई second नहीं. जीरो सेकेंड, क्योंकि परफेक्ट हो गया 15 नंबर 15 तक परफेक्ट हो गया, अंडरस्टूड। 15 मिनट देन जीरो सेकेंड। सो ऐसे थोड़ा सा हम स्पेसिफिकली लिख सकते हैं एंगल का मेजर, वैसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री डेसिमल फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री मिनट सेकेंड फॉर्म बोलते हैं, डिग्री मिनट सेकेंड। अभी रिवर्स कैसे करेंगे, जैसे देखो 43 degree 15 minute, अभी इसको वापस डेसिमल में कैसे लिखते हैं, सो दिस इज 43 degree प्लस 15 मिनट, ओके 1/60 इनटू 1/60 डिग्री प्लस, देखो 1 degree इज 60 मिनट, उसमें से आपको मिलेगा 1 मिनट इज 1/60 डिग्री। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना, सो इट इज 15 / 60 डिग्री। सो 43 degree प्लस 15 / 60 इज 0.125, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि 43.25 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर आपको ये इसमें से आपको मिलेगा 1 second, 1 second इज इक्वल टू 1/60 मिनट, राइट। बट मिनट को अगेन डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से डिवाइड करना, सो 1/3600 डिग्री। अंडरस्टूड। तो और एक एग्जांपल दिखाता, लाइक 27.675 डिग्री, तो इसको डिग्री मिनट सेकंड में लिखना है, सो विच इज इक्वल टू 27 डिग्री प्लस 0.675 डिग्री into, so 27 degree plus it is 0.675 degree ko minute mein convert karne ke liye 1 degree 60 minute, so is into 60, that much minute. So 27 degree plus 0.675 into 60, which is equal to 40.5 minute, okay. So this can be written as 27 degree plus 40 minute plus 0.5 minute, right? 30 seconds.
So this is 27 degree plus 40 minute plus 0.5 into मिनट को अगेन सेकंड में कन्वर्ट करें 60 से राइट 1 मिनट इज 30 सेकंड सो इट इज 0.5 इनटू 60 इट इज 30 दैट मींस इट इज 27 डिग्री 40 सेकंड 40 मिनट 30 सेकंड अंडरस्टूड आया समझ में ऐसे डेसिमल को डिग्री मिनट सेकंड में लिख सकते हैं डिग्री मिनट सेकंड को वापस डेसिमल में भी लिख सकते हैं अगर इधर ओके इधर आपको 30 मिला ठीक है 5 इंटू पॉइंट 0.5 इंटू 60 30 मिला मान लीजिए आपको 30.6 मिला क्या करते थे आप फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ 30 आपको 30.6 मिला था क्या करते था राउंड राउंड करते क्योंकि और आगे जाने के लिए कुछ नहीं डिग्री मिनट सेकंड तक ही हमारे पास तो 30.5 है तो हम उसको 30.5 और एबो है तो हम उसको 31 सेकंड लिखते हैं ठीक है अगर मान लीजिए 30.3 मींस 5 से नीचे डेसिमल के बाद जो नंबर 5 से नीचे है तो हम उसको अवॉइड करेंगे उसको 30 लिखेंगे 5 और एबो है तो उसको आगे जैसे एक बढ़ा के 31 लिखते अंडरस्टूड इधर बाय चांस हमने ऐसे ले लिया पक्का नंबर मिला बट कभी ऐसे नहीं पक्का नंबर नहीं मिलेगा इधर 0.5 into 60 आपको बराबर 30 मिला बट कभी कभी क्या है लास्ट में भी डेसिमल आते हैं 30.3 सेकेंड नहीं तो 30.6 सेकेंड्स आते हैं तो वैसे कुछ आया है तो डेसिमल देख लेना 5 और 5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट नंबर सो आप राउंड कर देना 5 से लेस है तो अवॉइड कर देना 30.3 आए तो 30 लिख देना 30.5 30.6 ऐसे कुछ आया है तो 31 लिख देना Understood? Is it clear? Yes. Yeah. And इसको वापस भी करने के लिए ऐसे है कि जैसे 27 degree, 40 minute, 30 second. So 27 degree plus 40 minutes को degree में convert करने के लिए 60 से divide करना 40 by 60 degree. देन सेकेंड को 30 सेकेंड सेकेंड को डिग्री में सेकेंड को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना बट वो मिनट्स को फिर से डिग्री में कन्वर्ट करने तो और 60 से डिवाइड करना सो 60 इंटू 60 डायरेक्ट करेंगे तो 3600 से डिवाइड कर देना ऐसे सो इट इज 27 डिग्री प्लस 40 बाई 60 4 6 6 0 0 कैंसिल हो जाएगा 4 बाई 6 विच इज इक्वल टू ऐसे जा रहे 0.66667 6666 एक्सेट्रा जा रहे सो 6666 ओके 7 बस प्लस 30 बाई 3600 एक 0 कट हो जाएगा 3 बाई 360 3 डिवाइडेड बाई 360 वो जा रहे 0.008333 एक्सेट्रा जा रहे तो आपको चाहिए तो 3 नंबर के लिए आप राउंड करो राउंड करेंगे तो ऐसे आएगा 27.000 प्लस इसको आप लिख सकते हैं 0.667 प्लस 0.008 ऐसे राउंड करेंगे तो आपको मिलेगा 8 प्लस 7 15 रिमाइंडर 1 6 प्लस 1 7 देन 6 देन 0.27 अंडरस्टूड तो वैसे हम ये डिग्री मेशर को दो प्रकार लिख सकते हैं एक तो डिग्री मिनट सेकंड है ये आपके लिए नया कंसेप्ट है डिग्री मिनट सेकंड एंड डेसिमल डिग्री ओके
डेसिमल डिग्री एंड डिग्री मिनट सेकंड, इसको ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मींस 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, इट इज नोन एज 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, इट इज नोन एज 60 सेकंड। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। या नाउ मोर थिंग्स लाइक रेडियन मेजर, that we will discuss in tomorrow's class. What is radian measure? And then what is the relation between this degree measure and radian measure? Because degree and radian, these are the most common units that we are using for measuring angles. So tomorrow we will discuss what is radian measure, and then we will discuss what is the relation between degree measure and radian measure and all those things. Okay, then we will review some of the topics that we have discussed in last year, some basic things. Okay, so the base should be clear. Once your base, that's why I'm going very slowly, because this is one of the most important chapters. Once your base is very clear, the remaining is very smooth and easy. Okay, so see you in tomorrow's class. Take care. Okay. Thank you, sir. Okay, bye-bye. Take care.